हेलो एवरीवन, सो जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2017 में भी आया है। ओके, तो हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, और साथ में बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलेगा। तो जो हमारी क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास स्टूडेंट्स 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ओके, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो जो पहली जो स्टेटमेंट है वो बच्चों, नॉइस रिसेप्टर रिस्पोंड टू चेंज इन प्रेशर। ओके, सो बेसिकली जो नॉइस रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो पेन के लिए होते हैं। ओके, प्रेशर्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों हमारी बॉडी में, वो होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ओके, तो वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। मीजनर्स कॉर्पसल्स आर द थर्मो रिसेप्टर्स। जो थर्मो रिसेप्टर्स वो बच्चों मीजनर कॉम्प्लेक्स नहीं होते, मीजनर जो कॉर्पसल्स होते हैं बच्चों, वो मैकेनो रिसेप्टर का फंक्शन एज फंक्शन क्या कैरी आउट करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो हमारे पास क्या है बच्चों, अभी दो स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। नॉइज रिसेप्टर किसके लिए, पेन के लिए होते हैं, और मीजनर जो कॉर्पसल्स होते हैं वो मैकेनो रिसेप्टर का फंक्शन करते हैं। ओके, फिर हम आते हैं फोर्थ के ऊपर, रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेटेड पोटेंशियल। तो बच्चों ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रिसेप्टर जो होते हैं वो ग्रेटेड पोटेंशियल को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं हमारी मेन स्टेटमेंट में जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चों हमारे बॉडी से आई के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सेल जो हम बोलते हैं वो होती है कॉर्न सेल्स होती हैं, और दूसरी जो सेल्स होती हैं बच्चों वो हमारी रोड सेल्स होती हैं। ओके, जो कॉर्न सेल्स होती हैं बच्चों वो लाइट में फंक्शन करती हैं, और जो रोड सेल्स होती हैं बच्चों वो क्या करती हैं, डार्क में फंक्शन करती हैं। जब भी बच्चों क्या होता है, लाइट है वो हमारी कॉर्न सेल से टकराती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है, या फिर जो मीन्स की हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट करती है लाइट कॉर्न सेल से, तब क्या होते हैं, रेटिनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। किस में चेंजेस आते हैं, रेटिनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं। जो क्या करती है, रेटिनल स्ट्रक्चर चेंजेस आने से CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज बच्चों क्या हो जाता है, एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या करता है, कैटायन चैनल को बच्चों क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। क्या कर देता है, कैटायन चैनल्स को क्लोज कर देता है। कैटायन चैनल से क्लोज होने से बच्चों क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन्स थे उनका इन्फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाएगा, यानी कि वो अंदर अब नहीं जा पाएंगे। पॉजिटिव आयन्स अंदर नहीं जा पाएंगे तो बच्चों को क्या कोज करेगा, हाइपर पोलराइजेशन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसी तरीके से डार्क में बच्चों क्या होता है कि जो फॉस्फोडाइएस्टरेज वर्क नहीं करेगा, पॉजिटिव आयन्स का क्या होगा बच्चों, इनफ्लक्स होगा, जिसके वजह से बच्चों क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। ओके, तो ये क्या होते हैं बच्चों, दो तरह की सेल्स हमने पढ़ी थी। तो जो हमने पढ़ा कि फोटोरिसेप्टर बनाया डीपोलराइज ड्यूरिंग द डार्कनेस, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। सो थैंक यू सो मच।